दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स जहां पर आज के दिन आपको इस शेयर्स के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिलने वाली थी, लेकिन यहां पर कोई गिरावट नहीं हुई क्योंकि जो न्यूज़ टाटा मोटर्स के अंदर निकल कर आई है वो न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। कल के दिन कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए, जहां पर कंपनी ने 5,000 करोड़ रुपए का लॉस डिक्लेयर किया। यानी आप देख सकते हैं न्यूज़ के सेक्शन में भी कि जहां पर कल के दिन टाटा मोटर्स ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए थे और कंपनी ने 5,007 करोड़ रुपए का लॉस डिक्लेयर किया था, तो यहां पर एक चीज़ आज के दिन क्लियर थी कि टाटा मोटर्स के अंदर आज के दिन हमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, यानी कि फ्री फॉल देखने को मिलेगा। और ऐसा ही कुछ हमें शुरुआत के 10 से 15 मिनट में भी देखने को मिला, जहाँ टाटा मोटर्स के अंदर हमें लगभग 3% की गिरावट देखने को मिल चुकी थी, लेकिन उसी के बाद में टाटा मोटर्स के अंदर हमें एक बाउंस बैक आते हुए देखने को मिला और देखते ही देखते शेयर्स लगभग 5% की रैली यहां पर बनाकर दे गया। यानी कि टाटा मोटर्स के अंदर आज के दिन जिसने भी इंट्राडे सेशन इस टाइम पीरियड के बीच में किया होगा, यानी कि सुबह 9:40 से लेकर यहां पर 11:10 के बीच में जिसने भी इस शेयर्स को बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी में फॉलो करा होगा और साथ ही साथ यहां पर काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, यानी कि पिछले 2 घंटे में सिर्फ एक शेयर्स के ऊपर 20 पॉइंट की तेजी आपको देखने को मिल रही है, यानी कि 5% की शानदार रैली आपको देखने को मिल रही है। चलिए ये तो बात हो गई कि टाटा मोटर्स के अंदर हमें आज के दिन इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली, लेकिन इस तेजी के पीछे की वजह क्या है, उस वजह की तरफ चलते हैं। वजह आपके सामने देखने को मिल जाएगी, क्लियर है। 28 जुलाई 2022 आज के दिन ये न्यूज निकल कर आई है जिसमें टाटा मोटर्स पार्टनर्स विद एक्सिस बैंक फॉर इलेक्ट्रिक पीवी फाइनेंसिंग, यानी कि इनके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स है उसे और इंक्रीज करने के लिए कंपनी ने यहां पर एक्सिस बैंक के साथ में पार्टनरशिप करी है। कंप्लीट न्यूज आप देख सकते हैं, टाटा मोटर्स इंडियाज लीडिंग ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर हैज जॉइंड हैंड्स विद एक्सिस बैंक टू ऑफर एन एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डीलर फाइनेंसिंग सॉल्यूशन टू इट्स अनऑथोराइज्ड पैसेंजर ईवी डीलर्स। तो यहां पर काफी पॉजिटिव न्यूज हमें आते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि यहां पर इन्वेस्टर्स को भी पता है कि टाटा मोटर्स के अंदर अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रोथ मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है वो इनके ईवी सेगमेंट में ही देखने को मिल रहा है। और अगर वहां पर फाइनेंसिंग की जो प्रॉब्लम्स अभी हमें देखने को मिलती है, जो इनके क्लाइंट्स को फेस करनी पड़ती है, अगर वो पूरी तरीके से रिजॉल्व हो जाती है तो टाटा मोटर्स की रेवेन्यू के अंदर और अच्छा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अंडर दिस स्कीम डीलर्स कैन अवेल इन्वेंट्री फंडिंग ओवर एंड अबव देयर आईसी व्हीकल्स फाइनेंसिंग लिमिट विद अट्रैक्टिव प्राइसिंग लिंक टू रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट। तो यहां पर काफी पॉजिटिव न्यूज हमें आते हुए देखने को मिल रही है, और द रीपेमेंट टेन्योर विल रेंज ऑफ 60 to 75 days। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रही है। अगर आप टाटा मोटर्स के कस्टमर्स हैं, यदि आप ईवी के अंदर खरीदारी करना चाहते हैं, या फिर आप टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स हैं, तो आप सभी के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है। साथ ही साथ आज के दिन हमें टाटा मोटर्स के अंदर कुछ बड़ी बल्क डील्स भी होते हुए देखने को मिल रही है, जिसके चलते टाटा मोटर्स के आज के दिन अगर आप वॉल्यूम बेस्ड काम देखेंगे तो 3,63,00,000 क्वांटिटी आज के दिन टाटा मोटर्स के अंदर ट्रेड हुई है, जिसके सामने 90,00,000 क्वांटिटी डिलरेबल बेस पर उठाई गई है। और डिलरेबल बेस क्वांटिटी का परसेंटेज भी यहाँ पर 24% से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। यानी कि ओवरऑल अगर बात करी जाए टाटा मोटर्स के आज की ट्रेडिंग परफॉर्मेंस की, तो आज के दिन हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी शेयर्स के अंदर देखने को मिली। एक गैप अप ओपनिंग शेयर्स ने बनाए, 449.25 रुपए का हाई भी बनाया, 427 रुपए का लो भी बनाया, लेकिन जो क्लोजिंग निकल कर आई है वो 442 रुपए की ही निकल कर आई है। इससे एक चीज तो क्लियर है कि भले ही फाइनेंशियल रिजल्ट हमें नेगेटिव देखने को मिले, लेकिन अभी भी टेक्निकल लेवल्स पर ये शेयर्स हमें काफी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। चलिए बात हो ही रही है लेवल्स की, तो यहाँ पर हम लेवल्स को भी एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है, जिसमें मैंने आपके साथ में कुछ लेवल शेयर करे थे, और अगर आप वो लेवल्स देखेंगे तो उसी लेवल पर मार्केट आपको पूरी तरीके से चलते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 423 रुपये का स्टॉप लॉस आपको लेकर चलना है, तो आज के दिन भी आप देख पाएंगे कि टाटा मोटर्स आपको 427 रुपये से ही रिवर्ट होते हुए देखने को मिला है। और यहाँ पर जो अपर लेवल पर रेजिस्टेंस है 462 रुपये का, उसको यहाँ पर नेक्स्ट लेवल के रूप में आपको लेकर चलना है। बहुत जल्दी आपको टाटा मोटर्स के अंदर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और ये शेयर्स देखते ही देखते आपको 500 रुपये तक जाते हुए शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने वाला है। अगर 423 रुपये से भी डिक्लाइन होता है शेयर्स, तो नेक्स्ट सपोर्ट जो रहेगा वो 400 रुपये का रहेगा, जहां पर शेयर लगभग 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4-4 बार सपोर्ट लेते हुए हमें देखने को मिला है।
अगर कुछ और टेक्निकल एनालिसिस को यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि डे वाइज जो इसका आरएसआई लेवल है यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ जो इंडेक्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसमें भी अभी तक कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज हमें देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि कोई ऐसा नेगेटिव सेंटिमेंट यहाँ पर नहीं बन रहा है जिसके कारण से आप यहाँ पर पैनिक लें और पैनिक में आकर टाटा मोटर्स के अंदर अपनी पोजिशन को सोल्ड आउट करें। यानी कि ओवरऑल भले ही कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स खराब आए हैं लेकिन यहाँ पर अभी भी टेक्निकल लेवल्स पर शेयर्स हमें काफी स्ट्रांग पोजीशंस में देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, अब बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्या लेवल से। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं आ जाता हूं 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम के ऊपर। यहां से आप क्लियरली देख पाएंगे कि यहां पर जो टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहां पर जो डे वाइज अब हमें यहां पर चीजें देखने को मिल रही है, इंट्राडे में आपको क्या लेवल्स लेकर चलना है उसको हम यहां पर एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर जो पहला रेजिस्टेंस बन रहा है वो 445 रुपए का बन रहा है। अगर 445 रुपए के रेजिस्टेंस को अगर टाटा मोटर्स का शेयर ब्रेक करता है कल के ट्रेडिंग सेशन में तो नेक्स्ट शेयर या आपको नेक्स्ट लेवल जो रहेगा वो 452 रुपए का रहेगा, यानी कि 452 की तरफ आपको शेयर्स जाते हुए देखने को मिलेगा। और अगर वहां से ब्रेकआउट होता है तो हमें शेयर्स लगभग 460 रुपए तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो यहां पर तीन रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया, तीन टारगेट प्राइस मैंने आपको बताया, यानी कि अगर आप करंट प्राइस पर खरीदारी करते हैं तो टाटा मोटर्स के अंदर आप पहला टारगेट लेकर चलेंगे 445 रुपए का और दूसरा टारगेट लेकर चलेंगे 452 रुपए का और तीसरा टारगेट लेकर चलेंगे 460 रुपए का। ये तीन टारगेट आपको कल के दिन इंट्राडे सेशन में लेकर चलना है। अब बात करें स्टॉप लॉस की, तो मान लीजिए आपने खरीदारी करी 440 रुपए के बीच में तो आपको स्टॉप लॉस लेकर चलना है 436 रुपए का। इस स्टॉप लॉस को आपको ध्यान में रखना है और अपनी पोजीशंस को यहां पर कैरी करते हुए चलना है। लेकिन इंट्राडे सेशन में जैसे ही आपको काफी अच्छा मुनाफा मिले आप प्रॉफिट बुक करके बाहर हो सकते हैं, आपको लालच बिल्कुल भी नहीं करना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी और सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। साथ ही साथ अगर हम यहां पर टाटा मोटर्स के अगर यहां पर इंट्राडे सेशन के भी अगर टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो आरएसआई लेवल यहां पर भी हमें 51 के अप्रॉक्सी देखने को मिल रहा है, यानी कि यहां पर भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। यहां पर भी अगर आप इंट्राडे सेशन में अगर आपने पोजीशंस ले रखी है और आज के दिन आपने उस पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ नहीं किया, आपने डिलीवरी में कन्वर्ट कर लिया और उसे पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो कल भी आप यहां पर पोजीशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ में शेयर करी है। फर्दर जो भी अपडेट्स आपको टाटा मोटर से रिलेटेड चाहिए आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल बाजार की खबर को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट अप स्टॉक जैसे इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं खुलाया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जहां से आप अपना डीमैट अकाउंट विद इन अ 4 आवर्स ओपन करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।